नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरके अबाउट मेडिसिन चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम सभी लोग जानकारी लेंगे सिटीजोल टैबलेट के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे सिटीजोल टैबलेट के यूज क्या है, इसके डोज क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, इसके स्ट्रेंथ क्या है। साथ ही दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन किन नामों से मेडिकल स्टोर में हमें यह सिटीजोल टैबलेट मिलती है। तो वीडियो में आप बने रहें, बिल्कुल भी दोस्तों स्किप ना करें ताकि संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचे। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरुआत करने से पहले यदि चैनल पे आप नए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दोस्तों बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों हम बात करें सिटीजोल टैबलेट की, तो सिटीजोल एक ब्रांड नेम है। दोस्तों इसके अंदर जो कंपोनेंट पाए जाते हैं वह होते हैं दोस्तों सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड टीइंडाजोल। यह दो दवाओं का कॉम्बिनेशन को मिलाकर के दोस्तों सिटीजोल टैबलेट को तैयार किया गया, लेकिन इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट पाए जाते हैं वह होते हैं सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड टीइंडाजोल। इसके दोस्तों ब्रांड नेम की हम बात करें तो आपको मार्केट में अलग अलग ब्रांड नेम आपके मार्केट एवं एरिया के हिसाब से हो सकती है, लेकिन दोस्तों जो उनमें मूल कंपोनेंट रहेंगे, मेन कंपोनेंट रहेंगे वह रहेंगे दोस्तों सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड टीइंडाजोल। इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम की हम बात करें दोस्तों वह है सबसे पहला सिटीजोल टैबलेट, दूसरा सेफ्रान सीटी टैबलेट, तीसरा सिफ्लोक्स टीजेड टैबलेट। यह सारे दोस्तों कुछ इसके मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है जिससे कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में लेने में दोस्तों आसानी होगी। दोस्तों इसके स्ट्रेंथ की हम बात करें तो इसके अंदर दो स्ट्रेंथ दोस्तों अवेलेबल है, जिसमें सबसे पहला जो स्ट्रेंथ है दोस्तों वह बड़े लोगों के लिए है यानी अडल्ट लोगों के लिए है। दूसरी जो स्ट्रेंथ है दोस्तों वह चिल्ड्रेन और बच्चों के लिए है, जिसमें सबसे पहला अडल्ट का जो स्ट्रेंथ है दोस्तों जिसमें सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 mg, टीइंडाजोल 600 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। यह दोस्तों बड़े लोगों के लिए है। दूसरी स्ट्रेंथ की हम बात करें जो कि छोटे बच्चों के लिए है, उसमें दोस्तों सिप्रोफ्लोक्सासिन 250 mg, साथ ही टीइंडाजोल जो है दोस्तों वह 300 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जिसमें बच्चे को 6 साल से बड़े और 12 साल से अंदर की दोस्तों उन सारे बच्चों को यह टैबलेट दिया जाता है। अब हम बात करें दोस्तों इसके कुछ विशेष तत्व के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सिप्रोफ्लोक्सासिन के बारे में। सिप्रोफ्लोक्सासिन फर्स्ट जेनरेशन फ्लोरोक्विनोल क्लास की एक दवा है जो कि दोस्तों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने में काम में लाई जाती है। साथ ही दोस्तों कभी कभी यह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन में भी बढ़िया काम करता है। इसी जगह पे हम बात करें दोस्तों टीइंडाजोल के बारे में, तो यह एक इंडाजोल क्लास की एंटी अमोबिक ड्रग है जो कि दोस्तों इंटेस्टाइन से जुड़ी सारी समस्याओं के इलाज में दोस्तों काम में लाई जाती है। और दोस्तों जब इन दोनों कंपोनेंट को मिला दिया जाता है, इन दोनों कंपोजिशन को मिला दिया जाता है, तब जाकर के बनती है दोस्तों एंटी बैक्टीरियल और एंटी अमोबिक और एंटी पैरासिटिक मेडिसिन, जो कि दोस्तों हमारे कई ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, एंटी पैरासिटिक में इन्फेक्शन में, एंटी अमोबिक इन्फेक्शन में काम में लाई जाती है। इसके यूजेज को दोस्तों डिटेल में हम बात करें, जिसमें सबसे पहला जो यूज होती है दोस्तों वह होती है दस्त में, जिसे हम डायहोरिया बोलते हैं। दस्त डायहोरिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें पेशेंट को वोमिटिंग होती है, बहुत ही ज्यादा पतला दस्त होता है, बार बार दस्त लगती है, बॉडी में वाटर का डिहाइड्रेशन मतलब पानी का कमी हो जाती है। इन चीजों में दोस्तों जो होती है सिटीजोल टैबलेट का बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देखा गया है। इसके साथ ही दोस्तों हम बात करें इसके अगले यूजेज की, तो वह है दोस्तों डिसेंट्री। डिसेंट्री का मतलब होता है पेचिस। यदि किसी व्यक्ति को
चावल के पानी के जैसा बाथरूम हो रहा है, पतला दस्त हो रहा है, बार बार दस्त हो रही है, तो यह कंडीशन दोस्तों पेचिस के अकॉर्डिंग, डिसेंट्री के अकॉर्डिंग देखी जाती है। इन चीजों में भी दोस्तों सिटीजोल टैबलेट का उपयोग किया जाता है। हम बात करें अगले यूजेज की तो एमोबियासिस में, एमोबियासिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारे स्टूल के साथ साथ दोस्तों ब्लड आती है, ब्लड का रिसाव होता है, खूनी दस्त लगती है, खूनी पेचिस पड़ती है, जिसे हम अमोबियासिस बोलते हैं दोस्तों। इन कंडीशन में भी सिटीजोल टैबलेट का उपयोग किया जाता है। हम बात करें इसके अगली यूजेज की, वह है दोस्तों एसटीडी, जिसे हम बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इसके अंदर आती है गोनोहेरिया। गोनोहेरिया का हिंदी होता है श्वेत पदार्थ। श्वेत पदार्थ ऐसा होता है दोस्तों, इसमें वेजाइना में, वेजाइना के रास्ते जो होती है, श्वेत पदार्थ बदबूदार एक पस लाइक फॉर्मेशन रिलीज होता है, जो कि बहुत ज्यादा दर्द होती है, एचिंग होता है, साथ ही उस जगह पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाती है। इस चीज में भी सिटीजोल टैबलेट का यूज किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों हम बात करें अगले यूजेज की, वह है यूटीआई, जिसे हम बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यानी किसी व्यक्ति को, किसी महिला को पेशाब में लहर हो, जलन हो, रुक रुक करके पेशाब आ रहा हो, प्रोस्टेट ग्लैंड में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, इन सारी चीजों में सिटीजोल टैबलेट का यूज किया जाता है। इसके साथ ही हम बात करें अगले यूजेज की, वह है दोस्तों यूआरआई, जिसे बोलते हैं अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, यानी जिसके अंदर आती है निमोनिया एवं ब्रोंकाइटिस। निमोनिया वैसा कंडीशन है जिसमें हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, तथा हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। साथ ही दोस्तों हम बात करें ब्रोंकाइटिस का, ब्रोंकाइटिस यानी हमारा जो श्वास नली का रास्ता है, ब्रोंकोडायलेटर है, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है। इन सारी कंडीशन को ठीक करने के लिए सिटीजोल टैबलेट का यूज किया जाता है। ये रही जानकारी दोस्तों इसके यूजेज के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके डोज के बारे में। यदि व्यक्ति 12 साल से ऊपर और 40 केजी से उसका ऊपर वजन होगा, उन व्यक्तियों के लिए दोस्तों जो सिटीजोल टैबलेट है, इसका जो स्ट्रेंथ है सिप्रोफ्लोक्सासिन का 500 mg एवं दोस्तों टिनिंडाजोल का 600 mg सुबह शाम खाने के बाद दोस्तों दिया जा सकता है। इसी जगह पे हम बात करेंगे यदि किसी व्यक्ति 6 साल से ऊपर और 12 साल से नीचे हैं और दोस्तों 40 केजी से नीचे उनका वजन है, उन व्यक्तियों के लिए जो सिप्रोफ्लोक्सासिन रहेगी 250 mg एवं टिनिंडाजोल जो रहेगी वह दोस्तों 300 mg रहेगी, इसे भी खाने के बाद आफ्टर मील सुबह शाम देनी है दोस्तों। इसका जो ड्यूरेशन रहेगा वह इन्फेक्शन के हिसाब से एवं दोस्तों डॉक्टर के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसके नॉर्मल ड्यूरेशन की बात करें तो कभी कभी 5 से 7 दिन एवं दोस्तों अगर लंबा इन्फेक्शन रहा, बड़ा इन्फेक्शन रहा, तो 7 से 14 दिन तक भी यह दवाई चलाई जाती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। नॉर्मली इस मेडिसिन का जो साइड इफेक्ट है ना के बराबर देखा गया है, लेकिन हम कुछ कॉमन साइड इफेक्ट की बात करें दोस्तों, तो व्यक्ति में नोजिया, वोमिटिंग हो सकती है, उल्टी हो सकता है, मतली हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, ब्लैक कलर का स्टूल आ सकती है, माउथ ड्राई, मुंह सूखा सूखा लग सकता है। यह सारे दोस्तों इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है। यदि इनमें से किसी भी प्रकार का आपको साइड इफेक्ट देखने को मिले तो तुरंत दोस्तों अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि एंड वक्त पे सही तरीके से ट्रीटमेंट डॉक्टरों के हिसाब से दिया जा सके। दोस्तों ये रही जानकारी सिटीजोल टैबलेट के बारे में। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आप देख रहे थे आरके अबाउट मेडिसिन चैनल। मैं था आपका दोस्त, मैं था आपका होस्ट डॉक्टर राहुल कुमार। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजेज।